ये सच इतनी जल्दी आ जाएगा ये हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि 4-6 दिन पहले ही मैंने उनसे मुलाकात की थी, लगभग 1 घंटे की मुलाकात में। शरीर भले ही सिथिल था, एक मुलाकात में मुझे खुद उनको उठाना पड़ा, बिठाना पड़ा, बैठ के बात की, फिर बैठे बैठे खुद कभी लेटाया, लेट के बात की। लेकिन उनकी चेतना पूर्ण जागृत थी, और मैं इतना कहूंगा शास्त्रों में जो संपदा है पढ़ सब सकते हैं लेकिन समझ गिर ले सकते हैं, वे उनमें से थे। और उनसे कुछ सीखने जैसी चीज है तो उसका नाम है दृष्टिकोण। बस ये हवा, ये पानी, इनपे जैसे किसी की बकौती नहीं होती है, कॉपीराइट नहीं होते हैं। मैं समझता हूं संत भी उन्हीं में से एक होते हैं जिसमें किसी की भगवती नहीं होती है। वो समुद्र की तरह होते हैं, जिसकी जितनी ताकत हो वो अपना लेके आ जाए। जिसके पास गिलास है गिलास भर ले, घड़ा है घड़ा भर ले, वो समुद्र है। और जितने भी संत हुए हैं आज तक, महापुरुष जितने भी हुए हैं, ये चुभते हैं। क्यों चुभते हैं ये नहीं पता है मुझे, लेकिन चुभते हैं। सबसे पहले महाराज जी को बहुत चुभन हुई थी तीर्थंकर आदिनाथ की सत्ता से, और उसके बाद तो लाइन लगी है। अब मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, लेकिन महापुरुष अपना काम करते हैं उस सुई की तरह है जो चुभती है, लेकिन अपना काम करके जब कंप्लीट वेशभूषा आज पहनते हैं, उसका जो सौंदर्यकरण है, उसकी जो अखंडता है, छोटे छोटे टुकड़े भी जब एक साथ बड़े पर्दे के रूप में हमारे सामने आते हैं, समाज के हर तबके को उन्होंने जोड़ के रखा, हमें गौरव होता है। उनका भाग्य नहीं था कि उन्हें तारक समाज मिली। मैं समझता हूं कि तारक समाज का भाग्य था। मैं इसके कारण बता रहा हूं, मैंने पहली बार कारण शब्द सुना ही उनके मुंह से था, पता ही नहीं था कि कोई समाज दुनिया में है। क्योंकि आप कितने ही महान क्यों ना हो, आप परिचय की स्थिति में आप अछूते रह जाएंगे। किसी से आपका परिचय नहीं है, उन्होंने आपका परिचय पूरे देश भर की प्रत्येक वर्ग से करवाया कि कार्य समाज है, धर्मप्रेमी समाज है, स्वाध्यायी समाज है। और उस समय से है जब आक्रांताओं ने हमसे भगवान छीन लिए थे, लेकिन हमने जीवन को छाती से लगाया। शास्त्र दो तरह से नष्ट होते हैं, एक दुष्टों द्वारा, दुर्जनों द्वारा आग लगा दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं आक्रांताओं द्वारा, और दूसरा कारण है अनभ्यास। ये कारण मैंने नहीं कहा है, ये कारण आचार्य कल्पना जी साहब ने मोक्षमान प्रकाशक में लिखे हैं। कुछ ग्रंथ दुष्टों ने नष्ट कर दिए और कुछ कुछ बड़े ग्रंथ हमारे अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए। तो मैं तो सोचता हूं इस सभा में और जो जो जहां भी मुझे सुन रहा है, यदि वो सच में अपने गुरुओं से प्रेम करते हैं, तो गुरुओं ने जिस तरह से सुरत की साधना की थी, हमें भी अपने ग्रंथों का अभ्यास करना है। अगर ये संकल्प आपने ले लिया तो समझ लीजिए सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि ग्रंथों को जिंदा रखना है तो उन्हें पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जयकारा लगाने से, जुलूस निकालने से, ढोल नगाड़े पीटने से शास्त्र जिंदा नहीं रहते हैं, शास्त्र जिंदा रहते हैं अभ्यास से, अभ्यास से। आप कीजिए, हमने एक मुहिम पिछले 2.5 वर्षों से चला रखी थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से, जिससे आप सब जुड़े, पूरा देश जुड़ा। आपने देखा होगा सब पक्के चैनल पे आया, बाद में भी उसके एपिसोड टीवी पे आएंगे। हमारा एक सूत्र कार्यक्रम है, समाज का कोई भी वर्ग हो जिन वाणी पढ़े, जिन वाणी पढ़े, जैसा पढ़ेगा भारत वैसा पढ़ेगा भारत। उल्टा सीधा पढ़ता है, उल्टा सीधा सुनता है, आग बबूला होकर घूम रहा है। मनुष्य की मनुष्य को सदन सुहा,
और हम उनके शिष्य हैं जहाँ शेर और गाय सांप और नेवले अपना बैर भूल जाते हैं और हमें यहाँ आ जाता है कि अच्छा तुम वहां से हो क्या। बाजू वाला पूछता है इसी समाज से हो गया क्या है, लेवल किसने लगाए हैं। हम कीर्तनकरों के वंशज हैं, कीर्तनकरों की परंपरा है, हमारे कुल में बड़े बड़े संत बड़े बड़े आर्यिकाएं संघ सब कुछ हुआ है, बहुत वैभव है हमारे पास, पूरी विरासत हमारी है, बस इतना उसे पढ़े सुने समझे। नया ग्रंथ अभी दशम ग्रंथ श्राम का चार चालू किया है, हर साल कुछ न कुछ नया ग्रंथ हम पढ़ते रहे सुनते रहे। आपको जो प्रिय हो, आपको जो प्रिय, क्योंकि ये नियम है अटल सत्य, जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, जो जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। ये लाइन मैंने 10-12 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में सुनी थी, बसंत जी महाराज की लाइन है, 12 भावना की पंक्ति है उनकी। ये तो अटल सत्य नियम है, हम एक न एक दिन ढल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ कर दें। इस मंगल भावना से मैं अपनी ओर से कुंद कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल नागपुर और सबका फाउंडेशन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।